राजा बलि 99 अश्वमेघ यज्ञ पूरे कर लेते हैं, 100वें अश्वमेघ यज्ञ की तैयारी करते हैं। इंद्र का आसन हिलने लग जाता है, देवलोक में त्राहिमाम त्राहिमाम हो जाती है। सारे देवता प्रभु के पास जाते हैं कि भगवान हमारी रक्षा करें। अब भगवान ने वामन रूप धारण किया और राजा बलि के दरबार में आ जाते हैं और कहते हैं कि राजा बलि, जैसा दानी संसार में बहुत ही कम हुए हैं, सभा लगी हुई है, सभी में दान उपहार बांटे जा रहे हैं। अब भगवान भी एक कोने में वामन रूप धारण कर बैठे हैं। जब नंबर आता है भगवान का तो राजा बलि के गुरु शुक्राचार्य इशारा करते हैं बलि की तरफ, और बावड़ा गलत गाड़ी की टिकट ना कटा। हाँ, लेकिन नहीं मानी। राजा बलि ने कहा कि अभी प्रदेव मांगो। भगवान ने हाथ जोड़ के कहा कि हे राजा, पहले वचन भर लो। अब राजा ने वचन भर लिए, कहा कि ब्राह्मण देवता मांग। भगवान बोले कि महाराज, मेरे को 3 कदम 3 पौंड पृथ्वी चाहिए, जगह चाहिए। राजा बलि को हंसी आती है कि अरे, तो तू सारा 52 आंगल का और उस पत्र ने मांगी तो भी बहुत बड़ी चीज, यह सारी पृथ्वी मेरी है, ये पाताल मेरा है, ये आकाश मेरा है, तेरी इच्छा हो ना वहां 3 डंग धर ले। अब भगवान ने अपना विराट रूप बनाया, 1 कदम में पूरा आकाश नाप दिया, दूसरे में सारी पृथ्वी, तीसरा पैर बलि के सिर पर धर दिया और पाताल लोक में भेज दिया। सुनो, ताप मारा कर। अब राजा बलि को अफसोस होता है, कहां तो स्वर्ग मिलने वाला था, कहां मेरे को पाताल लोक भेज दिया। लेकिन सजनों बताते हो, होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। अब राजा बलि भगवान के पैरों में पड़ जाते हैं कि हे प्रभु, आपने मेरा सब कुछ छीन लिया, लेकिन एक वचन मेरा भी भर लो। भगवान दयालु होते हैं, तथास्तु मांग। जी आप पाताल लोक में और मेरे इस महल के डोडीवान रहोगे, पहरेदार रहोगे। अब भगवान पहरेदार, राजा बलि पाताल में, दोनों राजा और भगवान वहां है। लक्ष्मी जी चिंतित हैं, नारद सारा वृतांत बताते हैं। थोड़ी वार्ता में शॉर्ट में लूंगा क्योंकि टाइम कम है, आरती का समय। बैठ, सुनने लायक भजन थारी चीज है, सुनने की भाई रवान के प्यार की कहानी है ये। क्यों रक्षाबंधन मनाया जाता है, अपनों राखी बांध दिया है भाई, कोई तो 500-400 का चक्कर में बहन आ गई, ऐसा कुछ नहीं होता। बहन भाई की लंबी आयु का आशीर्वाद लेके आती है, आशीष लेकर के आती है। तो सुनिएगा, लक्ष्मी जी उपाय पूछती है नारद से, तो नारद जी बताते हैं कि लक्ष्मी, तू जाके राजा बलि के हाथ पर एक तागा बांध दिए, तागा बांध दिए जिसका नाम राखी है, उसकी एवज में वो राजा भगवान को छोड़ सकता है, वरना कोई तरीका नहीं है। लक्ष्मी पाताल लोक में जाती है, भगवान के कहे अनुसार नारद ने जो रास्ता दिखाया था, राजा बलि के हाथ कलाई पे एक तागा बांध देती है, रक्षा सूत्र बांध देती है। अब राजा बलि हैरानी से पूछता है कि हे देवी, आप हो कौन? तो लक्ष्मी अपना परिचय देती है और मैं क्यों आई हूँ, क्या बात बताती है एक बात के माध्यम। जिस दिन लक्ष्मी ने राजा बलि की कलाई पर वो रक्षा सूत्र वो धागा बांध दिया था, वो दिन था श्रावण मास की पूर्णिमा। उस दिन से भाई बहन के प्यार का प्रतीक रक्षाबंधन मनाया जाता है। तो क्या बताती है लक्ष्मी, ढूंढत ढूंढत हार लई बलि राम तेरे घर आई मैं, छोड़ दे परे तार तेरा रखी की आज बंधाई मैं। जिस दौरे कुछ जा मांगू जाती न कदे ताली में, एक जगह ना रहा करूं सू नारगढ़ी नखराड़ी में, ये जगमग भवन भरिया रखू क
करू चार कूट उजियाली में यो विष्णु पेरे तार तेरा और सो इसकी घर आली में यो विष्णु पेरे तार तेरा और सो इसकी घर आली में और हाय लक्ष्मी नाम मेरा कहते रे ओ ओ ओ लक्ष्मी नाम मेरा कहते सो सिर समुंदर चाई में और छोड़ दे पेरे तार तेरा हो लक्ष्मी हो लेकिन मेरी भी सुनो बहन जी, गुरुजी ने इशारा किया था कि मत फंस इस पंगे में, लेकिन मेरी ही बुद्धि पर पत्थर पड़ गए। दो नंबर में बलि क्या बताते हैं लक्ष्मी जी को, हेरे शुक्राचार्य नट्या डट्या गुरु शुक्राचार्य नट्या डट्या मैं समझा नहीं इशारे ने, वो बोलिया दंग तीन धरूंगा दे दिए वचन इशारे ने, पावन अंगल पड़ बैठा बड़े जुल्म करे छड़ी यारे ने, मन ब्राह्मण समझ करी सेवा खुद छड़ बैठा पुजारे ने, ब्राह्मण समझ करी सेवा छड़ बैठा पुजारे ने, और मन स्वर्ग छोड़ पाताल मिलिया सरे ओ किया था ताकि मैं बाहर आऊं महल से तो भगवान के दर्शन हो और मैं अंदर जाऊं महल में तो प्रभु के दर्शन हो, लेकिन आपने धद कर दी, मतलब सारा सब कुछ खो के मैंने भगवान को पाया है और आप इसने भी बटाव बना दी। क्या कहता है बलि लक्ष्मी जी से, ये रे अपना घर खोलिया चावे है, अपना घर खोलिया चावे बंद मेरे ताला करने लगी, मन दर्शन खतर डटिया था मोटा चाला करण लगी, तू अपने मुंह पे आभा रख मेरा काला करण लगी, चोखी बाण बनी लक्ष्मी विष्णु का साड़ा करण लगी, चोखी बाण बनी लक्ष्मी विष्णु का साड़ा करण लगी, एक बार मैं ठगया गया इबे आऊ नहीं ठगाई मैं, छोड़ दे तेरे तार तेरा Thank you.
आखिर में ये सारी बातें कहते हुए राजा बलि स्वीकार कर लेते हैं अपनी बहन की बात कि ये बहन मैं मानता हूं कि आप भाई भाई से कुछ मांगने आई हो, मैं आपको देता हूं भगवान, लेकिन सारा नहीं, हम दोनों भाई बहन भगवान को बांट लेते हैं। और उधर भगवान विष्णु का चड्डा चढ़क मेरा बड़ा दोनों भाई बहन मिलके काट देनागा। लेकिन बंटवारा किस प्रकार होता है कि हे बहन जी, साल के 12 महीनों में से 8 महीने भगवान आपके पास रहेंगे और 4 महीने प्रभु जो है पाताल लोक में मेरे पास रहेंगे। और वो 4 महीने कौन से होते हैं अभी सुनिएगा। और उन 4 महीनों में हम हिंदू लोग कोई भी शुभ कार्य नहीं करते हैं, तो कौन से 4 महीने होते हैं? आम भाषा में हमारी चाची दादी दाई कह दिया करती कि देश हो गया, वो देव सोना क्या बताए पंडित जी गणपत राम जी ने अंतिम लाइनों में। ये साढ़ सुदी क्या रस ने आके, साढ़ सुदी क्या रस ने आके, मेरे पैरे तार रहे है पत्यक उतरे छोड़ूंगा यो खड़िया महीने ये मंगल कार्य बंद हो जा जब भगवान मेरे तार रहे है। धन्य धन्य गुरु बख्तावर बलि राव बण्या दाता रे। धन्य धन्य